वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी ब्लॉग्स। तो अभी देखो टाइम हो रहा है 6:30 को निकलने वाला था मैं, पर थोड़ा लेट हो गया, चलता है 6:35 हुआ है, जस्ट 5 मिनट्स लेट। सो आज कुछ खास प्लान्स नहीं है, फिर भी आपको वीडियो में दिखी जाएगा। एक बात बताऊं आपको, दिन के 6:30 बजे चांद दिखाता हूँ, कैसे वो आप देख लो। दिखाने के बाद मिलूंगा सीधा गाड़ी पे। वाह भाई वाह, क्या सनराइज है, मस्त है। आज कुछ लग रहा है कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए पेट्रोल चुरा रहा था कोई, इधर लगाया पहले गाड़ी तभी चुरा रहे थे, उधर लगाया तभी चुरा रहे थे, कैसे चुरा। सो गाइस आई एम डन विथ रिफिलिंग नाउ एंड रेडी टू डिपार्ट। ऐसा ग्लोव डाल लो, ठंडी लगेगा। चालू पेट्रोल पाइप निकाल देते हैं, दिक्कत बहुत होता है हमें, उनको कुछ नहीं होता। उनको क्या है, फ्री का, उनको तो फ्री का पेट्रोल भी मिल रहा है, दिक्कत हमें होगा ना भाई। वाइज डाउन। एक्चुअली टुडे आई वांटेड टू स्लीप फुल डे, क्योंकि आज है भाई संडे है और हम स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली नींद नाम का चीज़, नींद नाम का कीड़ा तो रहेगा ही, दिन भर सो खाली सो। इसलिए सोचा आज सोते नहीं है, कुछ और करते हैं। कुछ और का मतलब क्या है, हमारे पास काम धंधा थोड़ी ना है, ब्लॉगर्स के पास एक ही तो काम है भाई, इसीलिए उठा निकल दिया। एक्चुअली मैं नाइट को सोया 2 बजे, 2 बजे मतलब वही आधा 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 नींद, 1 बजे उठा फिर 2 बजे उठा, वैसे ही चलते रहता। तो एक तो वैसे सोया मैं, फिर 6 बजे उठा, देखा पूरा सर्दी हो चुका है यार। आज तो मिरर भी नहीं है क्रॉस चेक करने के लिए कि कैमरा चल रहा है कि नहीं, सब बाबा के भरोसे। देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, ऐसे ही सीधा सीधा चलते चलते। आज मतलब कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, रहना चाहिए। अब सोच रहे होंगे क्या है यार, डेस्टिनेशन सेट नहीं करता है, कुछ नहीं ऐसे ही निकल पड़ता है भाई, अपना तो ऐसे ही है, ऐसे ही निकल ही पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं और कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही निकल पड़े, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ काम धंधा ही नहीं है, आई हैव वन वर्क टू डू, आई हैव टू गो जयनगर। हाँ यार अब फिर बोलोगे फिर जयनगर जा रहा है, हाँ इतना ही काम ही है मेरा। कॉलेज वाले जिंदा छोड़ेंगे तब ना कहीं घूमने जाएंगे। सो अब तक तो सब ठीक ठाक, आप म्यूजिक एंजॉय करो, मिलते हैं फिर, चलो। सॉरी अगर आवाज़ मेरा थोड़ा ऐसा मोटा टाइप का आ रहा है, तो सर्दी हो गया है, अरे समर में कहाँ सर्दी हो रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। और एक तो माइक के बहुत ज़्यादा सामने हूँ मैं, थोड़ा माइक को दूड़ा कर लेता हूँ, इसके लिए वाइजर अलग खोलना पड़ेगा यार। अरे यार ऐसा झंझट नहीं पसंद आता। वीडियोस का टेंशन छोड़ दो, आते रहेंगे वीडियोस का भाई है ना, डालते रहेगा। पर
आगे का जिम्मेदारी आपका है, देखो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो। सॉरी, अगर नहीं लाइक आया तो कमेंट सेक्शन में डालो यार, क्या खराबी है, क्या इम्प्रूव करना है। मैं भी तो नया नया ब्लॉगर हूँ, मुझे कैसे मालूम होगा। अपना ही वीडियो देख के मैं खुद थोड़ी ना गेस कर सकता हूँ क्या खराबी है मेरे वीडियो में। मैं तो समझता हूँ अच्छा ही है, मेहनत की हो लगेगा अच्छा ही है भाई, तो बाकी तुम्हारे ऊपर है। आने तक 5-6 बंदे तो उस पर बैठे ही रहेंगे, मतलब तोड़ दो यार, साइड स्टैंड नहीं है, तोड़ दो पूरा। पहली आधा गाड़ी झुका हुआ रहता है, उस पर बैठ जाते हैं हाथी सांड सुअर सब बैठ जाते हैं, दिमाग घूम जाता है। मेरे को ना भाई बाइक चलाना है लद्दाख में, पर दे बाइक भी चला सकता हूँ ऐसा नहीं है, पर स्टिल आई हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स बिकॉज स्टिल आई एम नॉट राइडर, परफेक्ट राइडर नहीं हूँ। अभी मेरे पास गियर्स भी नहीं है पूरे जो रहने चाहिए एक राइडर के पास, राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट, हेलमेट है, ग्लव्स है, ग्लव्स भी राइडिंग ग्लव्स, मतलब ऑल वेदर नहीं है, रेनी सीजन के लिए तो बिल्कुल नहीं बने। काश कैमरा का एंगल ठीक हो, या ऐसे ही बकते जा रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता ऐसे बक रहा हूँ, चालू होगा फिर भी भाई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, ज्यादा पका रहा हूँ, आपको गाना सुन लो आप। स्टाइल में ऐसे 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 चलाते एक दिन ऐसे हो जाएंगे। स्टाइल बहुत भारी पड़ेगा दोस्तों। Be safe and be a hermit. डेस्टिनेशन कहाँ जाना है कैंटर, फिर स्टार्ट करता हूँ मोटो व्लॉगिंग। चलो बाय बाय। What the heck is going in Bangalore? क्या उल्टा क्या आ रहा है यार, वो भी इतना बड़ा 3-lane रोड पे, what the fuck? जब 3-lane रोड पे उल्टा आ रहे हैं तो क्या 4-lane क्या 8-lane। अरे यार, I have to really get a break. पागल हो गया हूँ मैं देख देख के, कहीं चाय वाय पीना पड़ेगा। अरे अरे, see this guy? What the heck? थोड़ा यूटर्न मार लो, क्या जाएगा भाई। देख ला सुपर हीरो अपना, तुम छूती है लोग यार।
स्टेशन तो आ गया पर भीड़ बहुत है। कैंसल द प्लान, ज्यादा ही भीड़ है। समझे, अंदर जाऊंगा, ट्रेन में आने का टाइम लैप्स निकालूंगा, ना हो पाएगा हमसे, ना हो पाएगा भाई हमसे, ना हो पाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड एडवाइज मी दैट भाई तू यूट्यूब छोड़ दे, यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है, पहले ही बहुत सारे ब्लॉगर्स हो गए हैं, ग्रोथ तेरा ना हो पाएगा। मैं बोला अरे भाई तुम क्या समझ रहे हो। और एक बात, एवरी वन मतलब ज़्यादातर लोग वही पूछते हैं भाई तेरा यूट्यूब इनकम कितना है, यूट्यूब इनकम कितना। अरे भाई अभी तो चैनल ही खोला हूँ, 61 सब्सक्राइबर हुए हैं, अभी कहाँ से इनकम आना शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं बताया, शांति से ही बताया, फिर भी एक बार मैं मानते नहीं है। तो वो मेरा दोस्त क्या बोला कि छोड़ दे तो यूट्यूब में स्कोप नहीं है। बोला भाई पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे होते तो अलग होता कुछ। लाइक फिल्मिंग हैज बिकम माय पैशन नाउ। पैशन यार कैसे समझाऊं यार, समझाना मतलब कहीं नहीं है। स्कोप हो या ना हो मैं तो करूंगा भाई यूट्यूब, ये मेरा पैशन। फिल्मिंग ही खाली यूट्यूब मोटो व्लॉगिंग नहीं, पूरा फिल्मिंग ही मेरा पैशन बन चुका है। फिल्मिंग और एडिटिंग सीख रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा। आई एम ऑन माय वे टू अचीव माय गोल, अभी दूर है जर्नी। आपको मैं अपना पहला गोल बता ही देता हूँ, लो आज दिस आज क्या है डेट, 29th ऑफ अप्रैल आई थिंक, देख लेता हूँ। द टाइम इज ऑल्सो नाउ 8:30 एंड द डेट इज 29th ऑफ अप्रैल। सो बाय द टाइम ऑफ लाइक मे एंडिंग टू जून 15th, आई थिंक लाइक अप्रॉक्स जून 15th आई शुड अचीव द 100 और 150 subs, मतलब 100 और 150 सब्सक्राइबर्स। और एक बात भी मैं बोला मैं अपने दोस्त को कि भाई अगर तू चाहेगा, अगर पब्लिक चाहेगा ना भाई, कैसे भी इंसान को कहीं भी जाके खड़ा कर देगा। स्कोप नहीं है मत बोलो, स्कोप तो भाई कोई भी फील्ड में नहीं है। स्कोप इंसान अपने खुद के टैलेंट से बनाता है स्कोप, थोड़े लोग होते हैं बिना टैलेंटेड भी, वन टाइम हिट रहता है वो, वैसा नहीं चाहिए। लोगों के दिल में जगह बनाना है भाई, दिमाग में नहीं। ढिंचक पूजा थोड़ी ना बनने निकले हैं, समझो यार, ब्लॉगर बनने निकले हैं। थोड़े लोग तो बोलते हैं साला ब्रो यू लाइक यू पुट थंबनेल्स एंड क्लिकबेट्स, यू विल गेट लॉट्स ऑफ व्यूज ऑन योर चैनल एंड देन यू कैन स्टार्ट मोनेटाइजेशन, यू कैन अर्न, इनकम बढ़ जाएगा। भाई नहीं करना है ना वो सब, क्लिकबेट डालना कोई बड़ी बात नहीं है। आई कैन पुट क्लिकबेट, आई डोंट वांट टू, दैट्स द रीज़न, दैट्स द मेन रीज़न, आई डोंट वांट टू। आपका भाई धोखेबाज नहीं है, जो है वही दिखाएगा। क्लिक बेट्स तो भाई डालने से रहा मैं, क्लिक बेट्स तो दूर की बात है। ये भी has also become a compulsory thing
अभी साला अच्छा ब्रेक लगा देंगे ना, दीज ड्रम ब्रेक्स आर नॉट सो स्ट्रांग दैट जस्ट लाइक यू अप्लाइड द ब्रेक एंड द बाइक सडनली स्टॉप्स. नो फर्स्ट द बाइक स्किड्स, कभी कभी स्किड होता है कभी कभी नहीं भी होता है, पर स्किड लाइक इट ब्रेक स्लोली. पावर नहीं है, मतलब नॉर्मली डायरेक्ट बोलने में पावर नहीं है भाई ड्रम ब्रेक में. डिस्क ब्रेक हो, डिस्क ब्रेक भी ठीक है, एबीएस हो या ना हो, डिस्क ब्रेक इज अ थिंग कंपलसरी. एक्चुअली जैसे गवर्नमेंट बीएस4 क्या बोल रहा हूँ यार, जैसे गवर्नमेंट ने बीएस4 का रूल निकाला है, एबीएस का भी रूल निकालना चाहिए. अब डीआरएल का भी रूल आ गया है, डीआरएल डे टाइम रनिंग लाइट्स हमेशा चालू रहता है भाई. आई थिंक दिस रूल इज फ्रॉम समवेयर यूरोप और डोंट नो परफेक्टली, आई थिंक यूरोप. आई एम हियर, जयनगर आ गया रे भाई. सो गाइस फाइनली और रीच्ड माय डेस्टिनेशन. आई विल टॉक टू यू गाइस. अभी ब्लॉग करूँगा कि नहीं करूँगा नहीं मालूम, पर जाते समय जरूर बात करूँगा, इतना भरोसा रखो. चलो बाय. तो गाइस स्वागत है वापस. अब आ चुका हूँ फ्लैट, आवाज़ थोड़ा बैठ चुका है. चलो ऊपर. सन बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है, आपको बताना नहीं दिखाता हूँ, देखिए. सूरज छुप गया यार, अब क्या सूरज को देखोगे, हो गया छोड़ दो. कुछ अच्छे क्लोजर शॉट्स नहीं है वो देख लीजिए.